Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. Hare Krishna. Hare Krishna. हमें बहुत आनंद हो रहा है यहाँ आकर आप सबके सामने आप सबको पहचानने को और आपको संग लेने का ये जो अवसर मिला है ये हमें बहुत ही आनंद दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत सुंदर रूप से सारा दुनिया भर हो जाए। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जाकर प्रचार शुरू किए थे और आपको तो पता है 10 साल के अंदर सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति को प्रचार और प्रसार किए थे। लेकिन प्रभुपाद का एक खेद था। प्रभुपाद कहते थे सब आ रहे हैं लेकिन भारतीय लोग नहीं आ रहे हैं। उस समय भारतीय भक्तों की संख्या बहुत ही कम था। लोकनाथ महाराज और हम 2-4 भक्त थे जिसको हम अंगली से गूंज सकते थे। वी कुड काउंट इन आवर फिंगर्स। लेकिन आप जब देखते हैं आप सब आए हैं कितने हार्दिक रूप से ये कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं ये देखकर स्वाभाविक रूप से ही हमें बहुत आनंद होता है क्योंकि प्रभुपाद बहुत खुश होंगे आप सबको देखकर। प्रभुपाद ये भी कहते थे कि मैं एक भारतवासी सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अगर हर भारतवासी श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ इस व्रत को ग्रहण करे तो दुनिया का हाल कैसा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे पृथ्वीते भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। इस भारत भूमि में ये पवित्र भूमि भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उनका कर्तव्य है पर उपकार दूसरे को भला करना दूसरे को उपकार करना। और ये कार्य संपादन करके अपना जन्म को सफल बनाना। और कैसे ये पर उपकार सबसे बेहतर पर उपकार कैसे हो सकता है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जिसको जिनको तुम देखो जिनके साथ तुमको मुलाकात होता है उनको ही श्री कृष्ण के बारे में बताना। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश को और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ बताया गया है उस उपदेश सबको देना। और ये कार्य संपादन करके अपना जीवन सफल बनाना और दूसरे को भी उनका जीवन सफल बनाने का एक अवसर प्राप्त अवसर देना। हम सब ये भारत भूमि में ये पवित्र भारत भूमि में जन्म प्राप्त होकर एक बहुत ही सुंदर अवसर हमें मिला है। मतलब
भारत भूमि में जन्म होने से हम सब आध्यात्मिक जगत के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे वर्णन हुआ है कि इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाने का दरवाज़ा है ये भारतवर्ष। हम एक दरवाज़े के नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से केवल एक दो कदम बढ़ाकर ही हम आध्यात्मिक जगत में पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में जो संस्कृति है ये है आध्यात्मिक संस्कृति। भारत के जो संस्कृति है वो है वे वैदिक संस्कृति, वेद की वाणी के आधार पर जो संस्कृति का प्रचलन हुआ है, और वेद का मतलब है भगवान के दिया हुआ जो वाणी। आप सबको बहुत धन्यवाद। हमें शिक्षाष्टक प्रभु ने अनुरोध किए थे कि हम पहले एक भजन गाए, तो जब मैं सोच रहा था क्या भजन गाऊं, क्योंकि हमारे अधिक से अधिक भजन बंगला में होता है या संस्कृत में होता है, तो शिक्षाष्टक प्रभु ने बोला अगर हिंदी भजन हो तो सब गा सकेंगे। तो तब हमको याद आया कि एक नया हिंदी भजन मैं कुछ दिन पहले गाया था। गाना नया नहीं था, सन 76 में, 1976 में मैं सारे वैष्णव जो संगीत पदावली गीतावली जो हैं उनसे चुन चुन कर हम कुछ लेकर एक भक्ति गीति संचयन, एक बंगला में एक गाने का गाना का संगीत का एक किताब प्रस्तुत किया था। उसमें कुछ हिंदी भजन भी हम युक्त किया था, जिसमें ये था कृष्ण जिनका नाम है और सुंदर लाला सची दुलाला। तो ये दो गाना हम गाते हैं, लोकनाथ महाराज भी गाते हैं। और लेकिन और एक गाना हमको मैं युक्त किया था उसमें, जो मैं पहले कभी नहीं गाया था। और इसका कारण भी ये था क्योंकि बंगला में जो हम ये लिखा था, जो प्राप्त हुआ था कोई और एक गौड़ीय मठ का जो संगीत का जो एक ग्रंथ था उससे मैं चुना था, तो उसका ये ठीक नहीं था, तो उसको सुधार कर तो हम ये तैयार किया है। और तो हम वो गाना गाएंगे। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन शायद स्क्रीन में होगा। अच्छा, तैयार हैं। इसका जो बानी है बहुत सुंदर है, ये है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। हिंदी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। हमारा ये मैली चादर क्या है, चादर क्या है, जीर्णानि वाशांसि यथा विहाय, गीता में भगवान बताए हैं ना, वसन वाश। तो कह रहे हैं कवि, इसको ये कौन तैयार किया है, इसका रचना कौन किया था, इसको भी पता नहीं है हमको। तो फिर भी इसका वाणी जो है, कहना जो है, बहुत सुंदर है। मैली चादर, ये जो शरीर जो हमको मिला है वो क्या हुआ है, इस भौतिक जगत में आकर गंदा हो गए हैं, और उसलिए हम शर्मा रहा हूँ कि मैं ये मैली चादर पहनकर कैसे आपके पास जाऊँ। किसके पास? भगवान के पास।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। है ना बहुत सुंदर वाणी। हाँ, तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, जो शरीर आप दिए थे वो बहुत ही निर्मल था, एकदम पवित्र था, बल्कि मैं क्या किया, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। निर्मल बानी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, नयन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया। मन बिना की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे गिरधर मैं हार के आया, ये मैं थोड़ा परिवर्तन किया है, उसके यह था हे हरिहर मैं हार के आया, तो इसको थोड़ा परिवर्तन करके मैं हे गिरधर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तू है अपरम पार दयालु सारा जगत संभाले, जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा अपने शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। कैसा लगा? तो हम सब गाएंगे कृष्ण कृष्ण। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं।
तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया तुमने मुझकर जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया नयन मोद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको थाया निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया नयन मोद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको भाया मन बिना की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे
मन ही मन शर्मा मन बिना की तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया हे गिरधर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं हे गिरधर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा तू है अपरंपार दयालु सारा जगत संभाले जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा अपने शरण लगा ले तू है अपरंपार दयालु
सारा जगत संभाले, जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Mm-hmm.
নিতাই গৌর হরি বো হরি বো হরি বো হরি বো জয় জয় প্রভুপাদ 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 শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল নম ওং বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামী নীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যাদিশতারিণে শ্রীল প্রভুপাদ কি হরে কৃষ্ণ মৈলি চাদর ওড় কে কেসে দ্বার তুমারে আও ভগবান কে পাশ জানে কে লিয়ে হমকো পবিত্র হোকর নির্মল হোকর জানা চাহিয়ে লেকিন জব হমকো পতা চলতা হ্যাঁ হম জব সোচতে হ্যাঁ হমারা হাল কেসে হ্যাঁ তব হম দেখতে হ্যাঁ কি হমারা যো স্থিতি হ্যাঁ ও কিতনা গন্দা বন চুকা হ্যাঁ মাইলি চাদর আর ইয়ে গন্দগি কেসি হ্যাঁ হমারে ইয়ে গন্দগি হ্যাঁ দিল কি গন্দগি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ইয়ে হ্যাঁ হমারে ছ শত্রু আর ইয়ে হ্যাঁ হমারে গন্দগি ভি ভগবান কে ভগবান কো ভুল জানে কে নাতে হম ইস ভৌতিক জগৎ মে গিড়ে হ্যাঁ ইহা হমকো দো প্রকার কি বন্ধন মে হম ফস গে হ্যাঁ এক হ্যাঁ সূক্ষ্ম শরীর কা বন্ধন আর স্থূল শরীর কা বন্ধন সূক্ষ্ম শরীর কা বন্ধন হ্যায় অহংকার বুদ্ধি আর মন ইয়ে তিন সূক্ষ্ম পদার্থ কে দ্বারা হাম এক শরীর প্রাপ্ত হুয়ে হ্যাঁ সূক্ষ্ম শরীর আর ইস সূক্ষ্ম শরীর কে অনুরূপ সূক্ষ্ম শরীর কে রূপ কে অনুসার হমেঁ স্থূল শরীর যো ইয়ে পঞ্চভূত সে বনা হুয়া শরীর মিট্টি পানি অগ্নি বায়ু আর আকাশ কে দ্বারা বনা হুয়া ইয়ে শরীর হমেঁ মিলা হ্যায় ইয়ে হ্যায় আত্মা কে দো বন্ধন জিসকে দ্বারা আত্মা ইস ভৌতিক জগৎ কে ইস ভৌতিক জগৎ মে ফস গে হ্যাঁ ইয়ে শরীর কে বন্ধন স্থূল শরীর কা বন্ধন সে হমেঁ মুক্তি মিলতা হ্যাঁ জব মৃত্যু হতা হ্যাঁ ইয়ে স্থূল শরীর হম ছোড় দেতে হ্যাঁ উসকা বন্ধন আর নেই রহতা হ্যাঁ জব মৃত্যু কে পশ্চাৎ ইয়ে স্থূল শরীর কা যো চাহনা হ্যায় ও চাহনা জ্যাসে খানা পিনা সোনা
ये जा जितने सारे ज़रूरतें हैं ये शरीर का वो नहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर का छुटकारा नहीं होता है। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर रह जाता है तब तक हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर रह जाता है और ये सूक्ष्म शरीर ही हमें अगला शरीर में ले जाता है। और सूक्ष्म शरीर का तैयारी कैसे होता है, सूक्ष्म शरीर का रूप कैसे होता है, हमारे कार्य के अनुसार। जैसे हम कार्य करते हैं, द वे वी एक्ट अकॉर्डिंगली आवर सटल बॉडी टेक्स इट्स शेप। हम जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारे ये सूक्ष्म शरीर का रूप बनता है। जैसे जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव हमारा सूक्ष्म शरीर या मन में गिरता है। जैसे जब हम कुछ भला काम करते हैं तो हमारा मन की स्थिति कैसा होता है, वी फील elated, मन हल्का होता है, मन में आनंद होता है। और जब हम कुछ बुरा काम करते हैं, चाहे कोई भी नहीं भी देखा तो भी हमारा मन का स्थिति कैसा होता है, मन में उसका प्रभाव गिरता है, मन में खेद होता है। तो वैसे हर कार्य का प्रभाव हमारा मन या सूक्ष्म शरीर में आता है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी, ये वो आदमी एक देवता जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकलाप एक देवता जैसे होता है। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं वो आदमी एक जानवर जैसा है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य जो है वो जानवर जैसा है। तो वैसे उस कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार शरीर का, सूक्ष्म शरीर का गठन होता है। और उसके अनुसार उसका अगला शरीर मिलता है। जिसका सूक्ष्म शरीर एक देवता जैसे बन गया है कार्य के अनुसार, अगला जन्म में प्रकृति के नियम से, प्रकृति के आयोजन से, धरती माता के आयोजन से उसको एक देवता का शरीर मिलता है। और जो एक जानवर जैसे आचरण किया है उसको एक जानवर जैसा शरीर मिलता है। ये है कर्म के फेर। कर्म के अनुसार हमें अपना शरीर मिलता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूक्ष्म शरीर के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त होने का तरीका केवल एक ही होता है, वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही केवल हमारा सूक्ष्म शरीर से हमें छुटकारा मिल सकता है या सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भवो, मन के द्वारा तुम केवल मेरा ही चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे वाणी को याद करो, मन मना भवो।
तो ऐसे जब हम मन के द्वारा भगवान को चिंतन करते हैं तो मन का क्या होता है, मन आध्यात्मिक बन जाता है। ये भौतिक मन जो है वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो वैसे जब हम भगवान के बारे में हर वक्त चिंता करते हैं, सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान को याद करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तब भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम्। जो हर समय सतत युक्तानां, हर समय भजतांग प्रीतिपूर्वकम्, प्यार के साथ मेरा सेवा करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, तो ददामि बुद्धि योगम तम। तो तब बुद्धि क्या क्या होता है, बुद्धि आध्यात्मिक बन जाता है, बुद्धि बुद्धि योग बन जाता है। तो वैसे बुद्धि का भी परिवर्तन या आध्यात्मिक रूप प्राप्ति होता है। इस तरह जब हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं तो हमारा अहंकार या गलत परिचय जो है उसको क्या होता है, गलत परिचय अहंकार का नाश होकर हम भगवान के दास बन जाते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तब और अहंकार भी नहीं रहता है। तो वैसे मन बुद्धि और अहंकार का परिवर्तन होता है, मतलब मन बुद्धि और अहंकार आध्यात्मिक रूप या आत्मिक रूप में चला जाता है। चेतना तब आध्यात्मिक मार्ग में, मतलब चेतना तब इस भौतिक जगत की ओर ना जाकर भगवान की ओर जाती है। ये है हमारे स्वरूप का प्रकाश, स्वरूप सिद्धि। तब क्या होता है, यद्यपि ये भौतिक पंचभौतिक शरीर स्थूल शरीर रह जाता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। ये स्थूल शरीर में आत्मा अपना स्वरूप में विराज करता है, सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है भौतिक से आध्यात्मिक। इस स्थिति को स्वरूप सिद्धि कहा जाता है या अपना असल परिचय जो है वो उस परिचय स्वरूप हम प्राप्त होते हैं। ऐसे जो काय शरीर मन और वाक्य के द्वारा भगवान को सेवा में लगते हैं तभी केवल हमारे सही स्थिति प्राप्त होता है और हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इहा जस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गीरा निखिलस्यपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त स्थिति हम तभी केवल प्राप्त होते हैं जब हम भगवान को प्रीतिपूर्वक सेवा में युक्त होते हैं या भक्ति मार्ग में भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि भक्ति ही केवल इस भौतिक जगत से मुक्त होने का तरीका है और किसी भी उपाय से इस भौतिक जगत से मुक्ति संभव नहीं है।
जोग की द्वारा नहीं, तपस्या की द्वारा नहीं, कर्म की द्वारा नहीं, यज्ञ की द्वारा नहीं, किसी भी उपाय से इस भौतिक जगत से मुक्ति संभव नहीं, जब तक ना हम भगवान को भक्ति के द्वारा उनकी सेवा में युक्त होते हैं। और ये अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर का इतना ही इम्पोर्टेंस है, इतना ही ज़रूरी है। हमारे शास्त्र में बार बार इसका निर्देश दिया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो, अब जब ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात आत्मा आध्यात्मिक चेतना में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये संभावना और किसी को नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य शरीर का इतना गुरुत्व दिया गया है। लब्धा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते, बहुत सारे संभावना के पश्चात जब ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, लब्धा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते, इसको सद उपयोग करना चाहिए। और विशेष रूप से जब ये शरीर इस भारत वर्ष जैसे स्थान में मिला है, क्योंकि मैं पहले ही जो बताया था कि भारत भूमि में जन्म होने के कारण हम आध्यात्मिक जीवन के बहुत ही नज़दीक आ पहुँचे हैं। ये संभावना जब मिला है, इसको सद उपयोग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? भगवान को सेवा में युक्त होकर। आप लोग इस्कॉन के नज़दीक आए हैं, इस्कॉन के द्वारा आपको सही ज्ञान मिल रहा है। हमारे परम प्रिय परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद हमारे लिए ये एक बहुत ही सुंदर सौभाग्य तैयार किए हैं। इस्कॉन संस्था जो हैं, ये कृष्ण भक्ति प्राप्ति के एक सुअवसर इस भौतिक जगत के लिए प्रभुपाद तैयार किए हैं। श्रील प्रभुपाद कितना कष्ट उठाकर इतने सारे ग्रंथ रचना किए हैं। रात को प्रभुपाद सोते नहीं थे, दो एक घंटा के लिए केवल सोते थे, कि अगर 9 बजे सोए रात को 11 बजे उठ जाते थे और रात भर ये ग्रंथ का अनुवाद करते थे, अपने भक्ति वेदांत भाष्य प्रदान करते थे। क्यों करते थे? ताकि हम सब ये जो एक अकल्पनीय सौभाग्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुए हैं, उसको सही फायदा उठा सकते। हम देखते हैं अधिक से अधिक व्यक्ति इस्कॉन के साथ युक्त होते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के पश्चात, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ में एक ऐसा सुंदर सरल वर्णन और विश्लेषण आध्यात्मिक जीवन के बारे में
प्रभुपाद प्रदान किए हैं तो हमको हमारा हृदय को बहुत सुंदर रूप से प्रभावित करता है। मैं खुद भारत में आकर ढूंढ रहा था, गुरु ढूंढ रहा था, शिक्षा अष्टप्रभु ने बताया था कि मैं विदेश में था और भारत में आया था आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए। और मैं उस समय मैं सोचता था कि जब मैं भारत में आऊँगा तो गुरु मिल जाएगा और गुरु हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। और मैं दिल्ली में आया, अपना घर कलकत्ता में भी नहीं गया, वहाँ से सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश और उसके बाद हिमालय में गया था। बहुत सारे साधुओं के साथ मुलाकात हुआ लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति को साथ मैं नहीं मिला, ऐसे किसी व्यक्ति को हम नहीं मिला जिसको जिसके जिनके पास मैं अपने आप को समर्पण कर सकता था। मुझे ये पता था कि जब गुरु मिलेगा तो उनके पास अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और जब मैं करीब 1.5 साल के पश्चात जब मैं बिल्कुल निराश हो गया और मैं सोचा कि अगर मेरा गुरु है, मैं तो ढूंढ के उनको नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरा गुरु है कहीं तो अब उनको आकर हमको ले लेना, मैं और ढूंढूंगा नहीं, लेट हिम कम एंड पिक मी अप। तो जैसे जब ऐसे कुछ अभिमान करके मैं ढूंढना छोड़ दिया, कलकत्ता में वापस चला गया अपना पिता के घर, तब हमको एक ग्रंथ मिला जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन, और वो ग्रंथ लेकर मैं घर गया शाम को, और जब मैं पढ़ना शुरू किया तो पहला पेज से ही हमको जवाब मिल गया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आई गॉट द आंसर। क्या जवाब मिला? उस पहले मैं सोचता था कि मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। जो कुछ हम मतलब योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा इत्यादि, हमें मुक्ति मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ नेक्टर ऑफ डिवोशन जब मैं पढ़ना शुरू किया तब पहला पेज से ही वर्णन हुआ है मुक्ति 5 प्रकार का है। तो ये तो हमको एकदम नॉक मी आउट। मैं मुक्ति मुक्ति के बारे में सोच रहा था तो प्रभुपाद कह रहे 5 प्रकार की मुक्ति, और उस 5 प्रकार के मुक्ति में से 4 प्रकार का मुक्ति सही है और 1 जो है वो गलत है। और मैं तब मुझे पता चला कि जो मुक्ति को बारे में मैं ढूंढ रहा था, प्रयास कर रहा था, वो है उस बकवास मुक्ति, साजुज्य मुक्ति। तो ये तो एक जानकारी मिला। और जब पढ़ना शुरू किया थोड़ा बाद ही और एक जवाब बहुत सुंदर रूप से मिला। वो जवाब ये था प्रभुपाद के ग्रंथ में कि भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग कांति हैं, ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं है। लेकिन सारे कुछ पढ़ के जो मुझे पता चल रहा था उस समय कि ब्रह्म ज्योति ही असल उद्देश्य है, बल्कि तब हमको पता चला कि भगवान
निराकार नहीं, ज्योति नहीं है, भगवान ज्योति के स्रोत हैं, भगवान ब्रह्म नहीं, भगवान परम ब्रह्म है, ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा या स्रोत है भगवान, और वो भगवान है कृष्णा, बस बस सारे कुछ, हाँ सारे समस्याएं का समाधान हो गया था। मेरे बचपन से ही कृष्ण को मैं जानता था, बल्कि कभी किसी ने नहीं बताया था कि कृष्ण ही भगवान है। तो देखिए कितने सुंदर रूप से प्रभुपाद हमें समझाया, एक बच्चा भी समझ सकते हैं, एक अनपढ़ भी समझ सकते हैं। इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद अपने ग्रंथ के माध्यम, और ये तो था शुरुआत, और धीरे धीरे क्या ज्ञान हमको मिला प्रभुपाद की कृपा से, इस भौतिक जगत के परे है आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान है गोलोक वृंदावन, जहाँ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और उस कृष्ण को पहचानने के लिए हमको कृपा करके श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कृष्ण ही आकर हमें समझा रहे हैं कि वो कृष्ण ही भगवान है, और कैसे उस भगवान को शरण में आना, कैसे भगवान की भक्ति में मगन होना, लिप्त होना, ये सारे तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही दिए हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं मिल सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान की जितने सारे प्रकाश हैं, उस ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश हैं ये, जो श्रील प्रभुपाद हमें प्रदान किए हैं। हम कभी कभी लोग जब कुछ चैलेंज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं उनको केवल एक बात बताता हूँ, देखिए हमको तो हमें तो अब तक ये ही सबसे श्रेष्ठ मिला है, आप अगर इससे बढ़कर, इससे बेहतर और कुछ हमको दिखा सकते हैं तो ये छोड़कर मैं वो ग्रहण करूँगा, बल्कि आप तक कोई भी इससे बढ़कर कुछ और स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति प्रदर्शन नहीं किया है, करेगा कैसे, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और ये जो वर्णन है इतना सुंदर रूप से हमारे शास्त्र में हुआ है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में, विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में जो हुआ है, जो वर्णन हुआ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान, ये ज्ञान हमें हमारे शास्त्र के माध्यम हम प्राप्त होते हैं। इस सिलसिले में एक विषय बहुत गंभीर रूप से समझना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कि भारत का सबसे सबसे गहरा, सबसे खराब दुर्भाग्य है, वो है भारतवासी सोचते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी कहानियाँ, मन की कल्पना। शास्त्र जो है उसमें, शास्त्र में भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, हमारे आध्यात्मिक स्थिति के बारे में सुंदर रूप से, सरल रूप से, सही रूप से वर्णन हुआ है। इसलिए हम जब शास्त्र को अपनाते हैं,
ये विश्वास लेके अपनाना चाहिए कि इसमें जो कुछ वर्णन हुआ है वो केवल सत्य ही है और सत्य के अलावा और कुछ इसमें नहीं है। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? सरल हिंदी में हम बोलेंगे, माइथोलॉजी का हिंदी अनुवाद होगा मिथ्या कहानियाँ, झूठ है, गलत है, कहानियाँ हैं, नहीं, ये परम सत्य है। सत्यं परम धीमहि, श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही ये वर्णन हुआ है। ये परम सत्य के बारे में हम अपने आप को, चेतना को समर्पण कर रहा हूँ। सत्यं परम धीमहि, अतएव श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि जितने सारे ग्रंथ हैं, श्रील प्रभुपाद जो कुछ हमें दिए हैं उसको सही रूप से पढ़ना, समझना, और समझने के पश्चात क्या करेंगे? इस्कॉन में आ जाना। इस्कॉन में, इस्कॉन का मतलब क्या है? जहाँ भक्त लोग हैं। इस्कॉन में आने से हमको भक्त का संग मिलता है। भक्त का संग मिलने से भक्त के पास हम भगवान के बारे में, भगवान के संदेश प्राप्त हो सकते हैं। कितना सुंदर आयोजन श्रील प्रभुपाद किए हैं हमारे लिए, तो इसको पूर्ण रूप से सदउपयोग कीजिएगा। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे हरि, श्रील प्रभुपाद की। हरि हरि। गौरांग गौरांग। नित्यानंद भी कहना होगा। दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया, ये तो वृंदावन में चलता है। जब मायापुर नवद्वीप जाओगे तो वहाँ गौरांग गौरांग, नहीं नहीं गौरांग गौरांग, नित्यानंद गौरांग गौरांग, नित्यानंद नित्यानंद गौरांग पांडुरंग। महाराज मराठी में भजन सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र आए हैं तो तुकाराम का एक अभंग चलेगा कि दौड़ेगा? चालनार की पढ़नार? गोविंद गोविंद मना लगलिया छंद, गोविंद माना लागनिया छंद, गोविंद गोविंद माना लागनिया छंद, गोविंद मग गोविंद ते काया, मग
Govinda te aaya vedanahi deva taya vedanahi deva taya Maga Govinda te kaya, Govinda ki kaya aur Govind. Vedana hi deva daya. Govind ki kaya mein aur Govind mein bhed hai ki nahi? नहीं है गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद Govinda, Govinda, mana lagaliya chanda. Anandale mana Anandale mana Anandale Anandale mana mana Preme pasarati lochana Preme pasarati lochana So Tukaram Maharaj aage likhe hain Anand le mana Govind ka नाम ले ले के जब मेरा मन भर जाता है अब मन तो भर गया और आप समथिंग कीप गोइंग एवरीबडी टू लाउड लेकिन और भी आनंद उमड़ आ रहा है तो वह प्रेम पासरती लोचना फिर और जो आनंद है आंखों से पासरती समझते हैं पासरती प्रेम पाजरती लोचन आनंद के अश्रु
na Govinda Govinda mana lagaliya chanda Govinda Govinda mana lagaliya chanda Kamhane Aali Tu Kamhane Aali Najjevi Nureci Vegali Jevi Nureci Vegali To kamhane aali 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 matlab मीठी तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान जब भक्त को आलिंगन देते हैं मीठी मारता भगवान भक्ताला न उरेची वे गली फिर और क्या चाहिए और कुछ मांग होगी ऐसे भक्त की जिस भक्त को भगवान ने आलिंगन दिया न उरे ची वेगड़ी Govinda, Govinda, mana lagaliya chanda. Govinda, Govinda, mana lagaliya chanda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mana kahiye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari. Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sapitane Rabhutale
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री श्री राधा मदन गोपाल की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की इस्कान नासिक भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी